And my colleague Jugal Purohit spoke to RSS leader Indresh, who has advised the Modi government to take up the issue of Tibet with China to make it uncomfortable, to boycott and hit China economically. शील समझौता है वो गलत फहमी में है क्योंकि वो केवल 8 वर्ष के लिए था. ठीक 8 अप्रैल 1962 को पंचशील समझौते नाम की कोई बाइंडिंग नहीं रही. इसी के कारण चीन ने एक दादागिरी की, हमें सितंबर अक्टूबर में उसने इन्वेड किया और उसने उसको लगातार तोड़ा है. इसलिए लगातार का एक्सपीरियंस जो कहता है, इसलिए भारत सरकार ने कड़ा रुख लेना चाहिए. पहली बात, तिब्बत वाज नेवर ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ चाइना, इसलिए उसकी स्वतंत्रता और उसको वहाँ पर राज करने के अधिकार का रास्ता भारत ने और विश्व के देशों ने आगे बढ़कर तिब्बत के समर्थन में इसलिए नहीं लेना चाहिए कि चीन का विरोध है, इसलिए लेना चाहिए. ये एक सत्य है. भारत की जनता आज चीनी माल से भी त्रस्त है कि सस्ता है पर घटिया है. तो इसलिए लगता है कि युद्ध के बिना अगर चीनी निवेश को विचार किया जाए तो भारत उसके आधार पर भी चीन से अपने स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ सकता है.